आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फूल गोभी में सिर्फ ये दो चीज मिलाकर लगाने से मस्से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो बताने वाली हूँ। काफी लोग ये सोचते हैं कि तिल मस्से और काले धब्बों को कैसे दूर किया जाए, लेकिन आज मैं आपको इसी से रिलेटेड एक ऐसी सामग्री के बारे में बताने वाली हूँ जिसके प्रयोग से आपके चेहरे से दाग, धब्बे, मस्से जड़ से गायब हो जाएंगे। इस रेमेडी की सही जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको इसको पूरी की पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए फूल गोभी, दो टी ट्री ऑयल और तीसरा शहद। अब जानते हैं इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले आप फूल गोभी के दो छोटे छोटे टुकड़े ले लें और इसे अच्छे से गर्म पानी से साफ कर लें। अब आप इसे ब्लेंडर में डालकर इसे अच्छे से बारीक पीस लें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसे पीसते हुए आप इसमें पानी वगैरह का इस्तेमाल ना करें। अब आप इस पेस्ट को 3 से 4 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब आप एक क्लीन बाउल लें और उसमें 2 चम्मच गोभी का पेस्ट, 2 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल और 1 चम्मच शहद को ऐड कर लीजिए। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब जान लेते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। जहाँ पर भी आपके तिल या मस्से हैं उसे आप गर्म पानी से साफ कर लीजिए, फिर आप इस पेस्ट को एक कॉटन की हेल्प से उस जगह पर लगाएं और 20 से 25 मिनट तक के लिए लगा रहने दीजिए और फिर गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए। आप इस रेमेडी को दिन में 3 से 4 बार कीजिए और देखिए कि 10 से 12 दिन में आपके मस्से खत्म हो जाएंगे। आप इस रेमेडी को 10 से 12 दिन कम से कम जरूर कीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इसे आप रेगुलर यूज कीजिए जब तक आपके मस्से खत्म ना हो जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।